अपनी आंखें कब खोलेंगी माँ? बहुत जल्द कनिका, डॉक्टर ने कहा है कि माँ जितना आराम करेगी उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगी। रोना बंद करो। कनिका, कनिका, अब क्यों रो रही हो कनिका? माँ तो आ गई है ना, सब ठीक हो जाएगा। जब माँ ये घर छोड़कर गई थी तो मैं बहुत छोटी थी। हमेशा माँ की तस्वीर लेकर उनसे बातें किया करती थी, अपना चेहरा उनके चेहरे से मिलाया करती थी। मैं सोचती थी कि मेरी आंखें उन पे गई हैं। मेरे बाल कितनी बातें किया करती थी कि माँ की तस्वीर से मैं, और आज जब माँ मेरे सामने है तो मैं कुछ भी नहीं कह पा रही इनसे। कनिका चिंता मत करो, अब माँ मिल गई है ना, हम इन्हें कहीं नहीं जाने देंगे। जैसे माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है ना, उसी तरह हम भी माँ का ख्याल रखेंगे। ठीक हो जाएगी। जिस माँ के बच्चे उन्हें इतना प्यार करते हो, वो ज्यादा दिन तक बीमार कैसे रह सकती है? जैसे ही माँ को होश आएगा हम आपको बुला लेंगे। फिर भैया, मैं माँ के बारे में इतना गलत कैसे सोच सकता था? हाबा, दिमाग खराब हो गया था। मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं करण, इसमें आपका कोई दोष नहीं। हम समझ सकते हैं आप पर क्या गुजर रही होगी। माँ मुझे माफ तो कर देगी ना करण? वो माँ है करण। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, वो अपने बच्चों को कभी गलत नहीं समझेंगी और उनसे ज्यादा देर तक नाराज भी नहीं रहेंगी। निकालना तो उस आभा को होगा इस घर से, वरना हमेशा की तरह सबकी चहेती बनकर मेरा पत्ता काट ही देगी। अरे, अब इन्होंने ये सब क्यों मंगवाया? खैर, मंगवाया है तो ला देती हूँ, क्योंकि आभा को निकालने में अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ मासी ही है। कहाँ जा रही हो? वो मासी ने कुछ सामान मंगवाया है, वही देने जा रही। अच्छा, क्या सामान मंगवाया? गोंद वाली पंजरी बना रही है वो माँ के लिए, उसी के लिए कुछ सामान मंगवाया है। बेचारी कितना कुछ सह चुकी है और उसके बावजूद कितना कर रही है इस घर के लिए। अच्छा शैली, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, तुम्हें अचानक से मासी जी की तरफ इतना प्यार कहां से आ गया? अब तक तो उनके नाम से भी चिढ़ती थी तुम। विमल, वो जो मैंने अपने कानों से सुना था, मैंने बताया था ना विमल आपको। जो भी है शैली, अब हमारी माँ घर पे आ गई और वही यहाँ रही। हाँ, अगर माँ के साथ मासी भी रहेगी तो क्या हर्ज है?
नहीं, मेरा मतलब है उस बेचारे ने इतने दुख देखे और इस उम्र में अकेली वो कहाँ जाएंगी? आप समझ सकते हैं, आप तो कितने अच्छे हैं। एक बार मासी की मदद से उस आभा को यहां से निकाल दूं, उसके बाद मैं उस मासी को भी यहां से दफा कर दूंगी और फिर स्वर्ण भवन पर सिर्फ मेरा राज होगा। तुम में और मुझ में यही फर्क है आभा, तुम्हें मां प्यारी है और मुझे मनी। दवाई दे देते हैं, है ना? उठा माँ, बैठ जाइए आराम से, आराम से। माँ डोज ले लीजिए, जरूरी है माँ वो। आप दवाई का टाइम हो गया है माँ, माँ माँ दवाई ले लीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। माँ बिल्कुल कड़वी नहीं है, प्लीज। इतना गलत सोचा था मैंने प्रतिभा के बारे में। अम्मा, आभा ने हमेशा तुम्हें सच बताने की कोशिश की और मैं अपने ही प्रतिभा पर विश्वास खो बैठा, उसी पर शक कर बैठा। अम्मा बस एक बार प्रतिभा को होश आ जाए, मैं अपनी गलती स्वीकार लूंगा और उससे माफी भी मांग लूंगा। गुनाहगार तो हम सभी हैं उसके, मैंने भी भैया की बातों मनाकर उस पर शक किया। लेकिन मैं जानती हूं
मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अपनी बहन को, उसका दिल बहुत बड़ा है। हम सबको माफ जरूर कर देगी। सबसे बड़ा पाप तो मैंने किया है, आपसे शादी कर बैठी। आज जब उसने यशो कहकर मुझे पुकारा तो उसकी आवाज मेरे दिल तक उतर गई। दिल तो बहुत करता है कि यहां रहकर उसकी सेवा करूं, लेकिन अपनी मांग में सिंदूर भरकर उसके सामने जाने की हिम्मत मुझ में नहीं। अब इस गलती की सजा मुझे मिलनी चाहिए। मेरा यहां से चले जाना ही अच्छा है। यशोधरा, जो भी हुआ हालात के चलते हुआ है। तुम उसकी बहन हो। वैसे मैंने प्रतिभा के साथ जाने अनजाने में बहुत अन्याय किया। मैं तुम्हें इस घर से निकालकर तुम्हें बेसहारा करके फिर से गलती नहीं करना चाहता। देखो यशोधरा, शायद तुम्हारे यहां रहने से प्रतिभा की तबीयत में सुधार आ जाए। कम से कम उसके लिए रुक जाओ। उसके पति से शादी की है मैंने, किस मुंह से उसके सामने जाऊंगी? मेरा यहां से चले जाना ही बेहतर, मेरा यहां से चले जाना ही अच्छा है। मैं मानता हूँ वो माँ है, लेकिन आप भी माँ सी है, हुई ना माँ जैसी। माँ सी जो कुछ भी हुआ मामा की गलतियों की वजह से हुआ। हम में से किसी को भी और सजा भुगतने की जरूरत नहीं है, और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ये मासी के शुभ कदम ही हैं जो माँ इस घर में वापस आ गई, वरना पता नहीं इस घर को किसकी बुरी नजर लग गई थी। और आज जब माँ वापस आ गई है तो हम आपको जाने दें। मैं मंदिर में दिया जलाकर आती हूँ बेटा। अम्मा, ये किस कश्मकश में डाल दिया तुमने मुझे? अब कैसे प्रतिभा से नजर मिलाऊं और किस मुंह से यशोधरा को कहूं कि वो यहां से चली जाए? मासी ने बड़ी होशियारी से अपने आप को मामा से अलग करके खुद को बेकसूर साबित कर लिया, लेकिन हमें ये साबित करना ही होगा कि वो तो मामा से भी ज़्यादा खतरनाक है। उनकी मीठी मीठी बातों के पीछे लालच का जहर छुपा है। माँ, हमने वचन दिया था इस परिवार को एक करके रहेंगे, वो तो हमने पूरा कर दिया, लेकिन अब भी इस परिवार पर बुरा साया मंडरा रहा है। हमें आशीर्वाद दीजिए माँ, हम उसे भी यहाँ से हटा सकें। रहने दो।
पता नहीं बेटा, भैया ने हम दोनों बहनों से किस जन्म की दुश्मनी निभाई। जब हम दोनों छोटे थे तो बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, बहुत लाड था हम दोनों बहनों। पता है एक दिन क्या हुआ, डॉक्टर ने इसे खाना खाने के लिए मना कर दिया था, इसकी तबीयत खराब थी। मैंने भी जिद पकड़ ली, जब तक प्रतिभा खाना नहीं खाएगी मैं भी नहीं खाऊंगी, और ये जल्दी जल्दी ठीक हो गई मेरे साथ खाना खाने के लिए। एक वो दिन थे और एक आज। खैर जा बेटा, तुम दोनों आराम कर लो, मैं प्रतिभा के पास बैठती हूँ। आभा तू भी थक गई होगी ना, जा आराम कर ले। हम ठीक है। आभा तुम नहीं करन, हम बिल्कुल नहीं थके मासी, पर आपके चेहरे से लग रहा है कि आप बहुत थक गए। इतना जो कुछ हुआ आपके साथ, हमसे ज्यादा आराम की जरूरत आपको है। नहीं बेटा, मेरी आंखों में नींद तब तक नहीं आएगी जब तक मैं प्रतिभा को वैसे नहीं देख लेती जैसे मैं देखना चाहती हूँ। अब तुम चली जाओ, मासी बैठ जाएंगी। अब देखिए ना करण, माँ ने किस तरह हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। हम जाएंगे तो माँ उठ जाएंगी। मासी हम दोनों रहेंगे, आप चली जाइए। हाँ बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। माँ के पास बैठना है, पूरी रात जागना है। ये चाय में अपनी लाई थी, तुम लोग पी लो। करण अब जाकर आराम कर लीजिए। नहीं अब मैं यहीं सो जाऊंगा। करण आपको हम पर भरोसा नहीं, क्या लगता है तुम्हें? ठीक है, माँ की देखभाल के लिए हमें बिना पलक झपकाए जागना होगा। मुझे मालूम था आभा मुझे कमरे में रहने नहीं देगी, इसलिए मैं वो चाय लेकर गई थी। थोड़ी देर में वो गहरी नींद में सो जाएगी और फिर मेरा काम शुरू।